हकीकत की दुनिया में श्रद्धा बेशक मारी जा चुकी थी, लेकिन लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए आफताब ने उसे वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा रखा हुआ था। वो श्रद्धा की जान लेने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड के बिल भरता रहा और सोशल मीडिया पर श्रद्धा का अकाउंट भी हैंडल करता रहा, ताकि उसके दोस्तों और जानने वालों को श्रद्धा की मौत को लेकर बिल्कुल भी शक ना हो और उन्हें ये लगता रहे कि श्रद्धा अब भी जिंदा है। वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन करीबन 2 महीने तक श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के बाद जब जुलाई के महीने में आफताब ने ये सिलसिला बंद कर दिया, तब श्रद्धा के दोस्तों को उसकी गुमशुदगी को लेकर शक होने लगा और उन्होंने श्रद्धा के घर वालों से बात की। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था, उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है, लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। आफताब की गिरफ्तारी के बाद अब पता चला है कि लोगों को धोखा देने के लिए उसने सिर्फ श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट ही एक्टिव नहीं रखा, बल्कि लाश के टुकड़े करने के बाद घर में बिखरे खून के थब्बे और बू मिटाने के लिए वो सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो बाजार से एसिड खरीद कर लाया और हर रोज इसी से बाथरूम की सफाई करता रहा, ताकि खून का एक भी धब्बा बाकी न रह जाए। उसने खून के धब्बे मिटाने और उसकी बू से बचने का तौर तरीका सीखने के लिए गूगल सर्च भी किया था, और अब ये कह सकते हैं कि आफताब काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा। वो लगातार रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर रहा था, ताकि आस पड़ोस के लोगों को उसके घर से कोई बदबू न आए। यह आफताब की शातिर दिमागी ही थी, जिसके चलते उसकी नई गर्लफ्रेंड को भी उसके घर में आने पर इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि वहां किसी लड़की का कत्ल हो चुका है। श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब एक नई लड़की से दोस्ती कर चुका था। इंतहा देखिए कि एक रोज उसने अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को इसी घर में बुलाया, जबकि श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े अब भी घर में मौजूद थे। बस उसने इतना जरूर किया कि उतनी देर के लिए लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छुपा दिया। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के कत्ल के बाद ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी गूगल सर्च किया था और पढ़ाई की, जिससे उसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने में मदद मिली। फिलहाल पुलिस ने आफताब का मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस उसकी सर्च हिस्ट्री निकालने में जुटी है, ताकि आफताब के कबूल नामे से गैजेट्स में मौजूद फुटप्रिंट्स का मिलान किया जा सके। आफताब की निशानदेही पर महरोली और छतरपुर इलाके से पुलिस को कुछ हड्डियां तो मिली हैं, मगर ये हड्डियां श्रद्धा की लाश के उन्हीं टुकड़ों का हिस्सा हैं, यह भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। दरअसल दिक्कत यह है कि लाश 6 महीने पुरानी हो चुकी है, बॉडी का टिश्यू या लाश के टुकड़े अब मिल नहीं सकते, मगर हाँ हड्डियां इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती जंगली जानवरों के होने के बावजूद। लिहाजा पुलिस इसी कोशिश में है कि अगर हड्डियों के कुछ टुकड़े मिल जाएं और डीएनए के जरिए ये साबित हो जाए कि वो श्रद्धा की लाश के टुकड़ों के हिस्से हैं, तो केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन गलती से पुलिस को श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का कोई हिस्सा नहीं मिलता तो मामला फंस सकता है। फिर तो पुलिस को पहले यही साबित करना होगा कि श्रद्धा सचमुच मर चुकी है। खुद पुलिस भी इस बात को मानती है कि 6 महीने पुरानी लाश के सबूतों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मेन रोड से अगर आप इस जंगल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जंगल कितना बड़ा और कितना घना है, लेकिन जब हम इस जंगल के बीच में आए तब जाके हमें अंदाजा चला कि ये जंगल कितना बड़ा और घना है। और ऐसे जंगल में रात के वक्त आके बॉडी पार्ट्स फेंकना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, और इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगा लेना कि किस तरीके की मानसिकता रही होगी आफताब की, क्या सोच रही होगी कि वो रात में 2 बजे इस जंगल में एक बार नहीं बल्कि 10 बार से ज्यादा आता है और यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े फेंकता है।
कैमरामैन राजा कुमार और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।